इतना भीड़ आपको नहीं मिलेगा। ओपन हो जाता है 7 बजे, मेट्रो ओपन हो जाता है 6:30 बजे। एक्चुअली वर्ल्ड फेमस लॉर्ड मुर्गन केव का एंट्री है। बाटू केव में थाई पुसान फेस्टिवल बहुत फेमस है, सारे वर्ल्ड से उस टाइम यहाँ पे लोग आते हैं। स्टेशन से उतरने के बाद ही बाटू केव का जो एंट्री है वहाँ पे सब जा रहा है, मैं भी जा रहा हूँ। अभी पता नहीं कितना वहाँ पे भीड़ होगा, लाइन होगा, लेकिन उतरने के बाद ही मुझे जो दिखना मिला वो है हनुमान जी, बहुत बड़ा हनुमान जी। एक बार दिखाता हूँ, ये बाटू केव का एंट्री है। सो सीधे जाते हैं बाटू केव के अंदर, फिर देखते हो। एक लोकल ड्रिंक्स ले लिया यहाँ पे, गन्ना और कोकोनट वाटर। लुक लाइक हेल, इट्स गुड। एक्चुअली थोड़ा यहाँ पे जो शुगर केन जूस है और उसके साथ थोड़ा नारियल पानी, अलग ही कॉम्बिनेशन है, क्योंकि वेदर बहुत गर्म है तो आपको बीच बीच में पानी पीना ही चाहिए। बाटू केव आने के टाइम आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया, डोंट वरी, यहाँ पे सब कुछ है, ब्रेकफास्ट करने का भी ऑप्शन है। मतलब मैं रेस्टोरेंट का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आसपास बहुत कुछ है, आप यहाँ पे आके भी ब्रेकफास्ट कर सकते हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप अगर सुबह सुबह आओगे ना, इतना भीड़ आपको नहीं मिलेगा। ओपन हो जाता है 7 बजे, मेट्रो ओपन हो जाता है 6:30 बजे, तो मेरे ख्याल से आप अगर 7 से 7:30 बजे तक यहाँ पे पहुँच जाते हो, 1 से 1.5 घंटा बहुत ही आराम से आप घूम सकते हो, उतना भीड़ नहीं होगा। एक्चुअली वर्ल्ड फेमस लॉर्ड मुर्गन का स्टैचू है ये, कितना बड़ा मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये है बाटू केव, 400 मिलियन ईयर्स ओल्ड एक लाइमस्टोन केव है। अभी मैं ऊपर जाने वाला हूँ, और मलेशिया में ये सबसे बड़ा, एक्चुअली पूरे वर्ल्ड में ये सबसे बड़ा मुर्गन का मंदिर है, और ये बहुत फेमस है। अभी ये गोल्डन कलर का मुर्गन है, मुर्गन इज लाइक आवर कार्तिके। सो धीरे धीरे मैं उठ रहा हूँ उस केव में जो बहुत फेमस है ये कलरफुल स्टेयर के लिए। सो चले, और ये है बाटू केव का एंट्री, मुर्गन के टेंपल, मुर्गन का स्टैचू, और उसके नीचे से ये वाला एंट्री। He's tired. Yeah. Hi baby. You tired? Okay, take your photo session.
पाँच छः मिनट बाद टेम्पल के एंट्री में आ गया हूँ, जो केव का एंट्री है, और वो है ये बहुत बड़ा लाइमस्टोन का केव है ये। चलो अंदर जाता हूँ। यहाँ पे लॉर्ड कार्तिकेय के स्टैचू है। दिस वन इज ऑल्सो कार्तिक, कार्तिक इज द होल एरिया इज कार्तिकेय। तो पूरा जो एरिया है ये केव डेफिनेटली लॉर्ड मुरुगन का है, कार्तिकेय। तो मैं अभी अंदर जाता हूँ, अंदर और भी जो मेन टेम्पल है वो अंदर है। चलो यहाँ पर थोड़ा लाइट है क्योंकि विदाउट लाइट मेरा गोप्रो, एक्चुअली मेरा गोप्रो अंधेरा को पसंद नहीं करता यार, पसंद नहीं करता है। अब ये किसका टिकट है? कितना बड़ा केव है, एक तो से कुआलालंपुर में इतना बड़ा बड़ा टावर, इतना बड़ा बिल्डिंग्स, और यहाँ पे $400 million ओल्ड, कितना होता है पता ही नहीं है यार। मुरुगन का टेम्पल, हर स्टेप में आप जब कितना अंदर जाओगे उतना स्टेप में एक एक मुरुगन का टेम्पल है। ये टेम्पल बेसिकली अभी सारे टूरिस्ट में बहुत फेमस है दो चीज़ के लिए। एक तो है बाहर का बहुत बड़ा सा गोल्डन श्री मुरुगन का स्टैचू, और सेकेंड थाई पुसम फेस्टिवल। ये एनुअली टेम्पल फेस्टिवल है, नॉर्मली ये जनवरी मंथ में होता है, 25-26 ऐसा कुछ। ये एक्चुअली इंडिया में भी होता है, लेकिन बाटू केव में थाई पुसम फेस्टिवल बहुत फेमस है। सारे वर्ल्ड से उस टाइम यहाँ पे लोग आते हैं ये फेस्टिवल देखने के लिए। बहुत ही कलरफुल एंड वाइब्रेंट फेस्टिवल, कुछ बहुत सारे अलग अलग ट्राइब से लोग आते हैं यहाँ पे। जो बाटू केव के आसपास जितने सारे ट्राइब है उन लोग आके ये फेस्टिवल मनाते हैं, तो एक अलग ही फील, अलग ही कल्चर आप देख सकते हो, अलग ही कलर आप देख सकते हो। नॉर्मली वो कुआलालंपुर सिटी में आप वो कभी भी नहीं देखोगे। चलो लेट्स गो, बाटू केव हो गया। डेफिनेटली आपको अगर थोड़ा सा नेचर, थोड़ा सा स्पिरिचुअल अगर अच्छा लगे तो बाटू केव आ जाओ, अच्छा लगेगा। बहुत लोग हैं, बहुत है, और बाहर तो फोटो सेशन के लिए अलग ही एक स्पेस है, कहीं पे भी फोटो सेशन करो फोटो आपका अच्छा ही आएगा। सो लेट्स गो माई नेक्स्ट डेस्टिनेशन। आंटी आपको नारियल मिला? Okay, let's go. Hey man, I like you here.
इसको। अरे ये कौन है, ये सोचा ये कौन है। कौन कौन? ना खाना है। You don't want to come? No? So, मेरा नाम है शुभ और ये मेरा चैनल बारसू ट्रैवलर। मैं हूँ अभी बाटू केव में, जो मलेशिया का बहुत बड़ा एक हिंदू टेम्पल है, लॉर्ड मुरुगन का मस्ट विजिट प्लेस। जब भी आप मलेशिया आओ, कुआलालंपुर आपको रुकना ही पड़ेगा, 4-5 घंटे का बात है। आके ये वाला मुरुगन का टेम्पल बाटू केव ज़रूर देख लेना। और इफ यू लाइक माई कॉन्टेंट प्लीज सब्सक्राइब। अभी मैं मेरा ये वाला बाटू केव वाला ब्लॉग अभी ख़त्म कर रहा हूँ। अभी फिर से वो मेट्रो पकड़ूंगा और जाऊँगा केएल सेंट्रल। सो लेट्स गो।